विधानसभा के स्पैशल सैशन दे विच लए गए फैसलों के उत्ते सियासत भली गमनाक नज़र आ रही है। सियासतदान खफा नज़र आ रहे ने सीएम भगवंत मान तो। सियासतदाना ते पंथक आगुआ का यह कहना है कि सीएम भगवंत मान ने पंथ दे विच सीधा दखल दिता, दखल अंदाजी की है जो कि कदा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लड़ी दे विच बयानबाजी हुई है, बयान सांझे करते हुए इमान सिंह मान जिहड़े कि सिमरनजीत सिंह मान दे बेटे ने, उन्हां दा बयान भी सामने आ गया। दरअसल इस सारे मामले नूं लैके सिमरनजीत सिंह मान वल्लों, एम पी सिमरनजीत सिंह मान वल्लों अपने सोशल मीडिया के उत्ते सांझा किया गया सी एक पोस्ट, उस दे विच सारा वेरवा विस्थारपूर्वक सांझा किया, जिस दे विच इमान सिंह मान दे जिहड़े कि सिमरनजीत सिंह मान दे बेटे ने, उन्हां दा बयान सामने आया। इमान सिंह मान अपने बयान दे विच की लिखते हैं, तुहानू सुणाउंदे आं। इमान सिंह मान लिखते हैं, पंजाब दी भगवंत मान दी सरकार वल्लों सिख कौम दीआं भावनावां दे विरुद्ध जाके गुरू घरां दे नियमां ते असूलां नाल खिलवाड़ करते हुए गुरद्वारा एक्ट दे विच तब्दीली करन संबंधी दखल दिंदे हुए अमल करन दीआं कारवाइयां सिख कौम ने ना पहलां कदे सहन कीतियां हन अते ना ही आउण वाले समें दे विच कीतियां जाणगियां, जिस दे नतीजे अजिहियां सरकारां लई होर भी खतरनाक साबित हो सकते ने। इस दे नाल ही इमान सिंह मान दे बयान दे विच ए वी लिखिया गया कि एक पासे तां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे खिलाफ भी बड़े जिहड़े इहो जिहे कसूर ने जिहड़े कथित तौर ते सामने आ चुके ने, उन्हां दा कहना है कि 12-13 सालां तों जिहड़ी चोण ही नहीं होई उस दे उत्ते भी स्पष्टीकरण देना बनता है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। और जे सूबा सरकार ने कुछ करना ही सी तां इह यकीनी बनाउणा सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां समें सिर होण। पर दूजे पासे जिस तरह उन्होंने अपने बयान च कहा है कि जिस तरह सूबा सरकार पंथक मामले च दखल दे रही है, यह हर किस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के बयान पंजाब भर के सियासतदानों के नज़र आ रहे हैं, और दूजे पासे पंथक आगू तो लगातार इस गल का विरोध कर रहे हैं। तो नाल ही 26 तरीक नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इजलास सद्या गया, उस तो बाद की कुछ होगा यह उदों की गल है। फिलहाल इस मामले नूं लैके इमान सिंह मान भी इस मैदान च कुदाए ने, उन्हां वल्लों भी अल्टीमेटम ते धमकी तौर दे उत्ते दे दित्ती गई है। हुण गांह देखणा होवेगा कि की कुछ हुंदा है। बने रहो वन इंडिया पंजाबी ते। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।